नमस्कार, आप देख रहे हैं सामाजिक संवाद और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। इस वक्त हम मौजूद है संगम विहार इलाके के बस स्टैंड के ऊपर बने फुट ओवर ब्रिज पर। यहां से हम आपको यहां की जाम की स्थिति दिखाना चाहेंगे। ये हाल रोज का रहता है, यहां पर रोड जाम रहती है, लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है, गाड़ियों का आवाजाहन रुकता है, जो भारी गाड़ियां यहां पर आके जाम लगाती हैं। और साथ ही आपको बता दें, इस जाम की मुख्य कारण ये है कि यहां पर ऑटो वाले जो हैं एक रो बना के खड़े हो जाते हैं और उस रो के चलते यहां पर नॉर्मल जो गाड़ियां निकलती है रोड से उनको निकलने में बड़ी दिक्कत होती है, आने जाने में दिक्कत होती है, इस वजह से यहां जाम की स्थिति बनती है। आइए इसी विषय पर कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। सर, ये जाम लग रहा है, इसके बारे में कुछ बताए जाएंगे? ये मेट्रो का काम चल रहा है, मेट्रो का रास्ता तंग है। सर, ऑटो वाले भी खड़े रहते हैं? ये ऑटो वाले रोज ही खड़े रहते हैं। ऑटो वालों को भगा ही रहे, चालान हो रहा है, उनको भाग जाते हैं ऑटो वाले। अभी आप भगा दोगे, थोड़ी देर में फिर वही स्थिति हो जाएगी, रोड जाम हो जाएगा, उसी चक्कर में लोगों को रास्ता देख रहे हो आप, रास्ता कितना तंग है। ये मेट्रो काम चल रहा है और कुछ नहीं। मेट्रो मैं इस बारे में कुछ नहीं कहता, मैं धन्यवाद। तो आपने देखा, हमने बात करने की कोशिश करी ट्रैफिक पुलिस कर्मी से और उन्होंने कहा कि मैं इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। साथ ही मेट्रो का जो काम चल रहा है वो भी इसकी मुख्य वजह है, जिसके चलते यहाँ पर जाम की स्थिति बनी रहती है और यहाँ से लोगों को और भारी वाहनों को निकलने में दिक्कत होती है। इस रोड की चौड़ाई वैसे ज़्यादा नहीं है, मेट्रो के काम चलने की वजह से भी यहाँ पर कुछ बाधा आई है। तो जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया कि संगम विहार इलाके में जाम गाड़ी को वैसे लगता है, भारी वाहनों को वैसे लगता है, कुछ ऑटो वालों को वैसे लगता है, और हमने इस पे ट्रैफिक पुलिसकर्मी से बात करने की कोशिश करी और उन्होंने साफ तौर पे मना कर दिया, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। ये जो काम है, ये जो ट्रैफिक जाम यहाँ पर होता है, यहाँ पर जो गाड़ियाँ आके रुकती हैं इनके वजह से जाम लगता है, वो इसका मुख्य कारण नहीं है। मुख्य कारण है यहाँ पर मेट्रो का कार्य प्रगति पर है। संगम विहार बस स्टैंड से कैमरामैन अमान के साथ मनीष कुमार सैनी, सामाजिक संवाद।